नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्धा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी को टुकड़े टुकड़े गिरोह और शहरी नक्सली चला रहे हैं। यह वह पार्टी नहीं है जिसके साथ महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति जुड़े थे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र में वर्धा के दौरे से पहले सवाल, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि वह महात्मा गांधी और उनके हत्यारे नाथुराम गोडसे के बीच कहां खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल शुक्रवार को हैक हो गया और उस पर अमेरिकी कंपनी रिपल एप्स निर्मित क्रिप्टो करेंसी के प्रचार वाला एक वीडियो दिखाई देने लगा। चैनल को बंद कर दिया गया है। कांग्रेस भाजपा में लेटर सियासत पर प्रियंका गांधी की एंट्री, कहा पीएम नहीं करते हैं बुजुर्गों का सम्मान। 82 साल के कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को जेपी नड्डा से पत्र भेजकर कराया उनका अपमान। भाजपा नेता रिजिजू ने कहा, प्रियंका संसदीय परंपराओं और मानदंडों को नहीं समझती है। टीटीडी ईओ श्यामलाल राव ने कहा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले ही लड्डू बनाने में पशु चर्बी का इस्तेमाल किए जाने की शिकायत की थी। आपूर्तिकर्ताओं को चेतावनी दी गई थी कि यदि वे अच्छे गुणवत्ता का सामान उपलब्ध नहीं कराएंगे तो उन्हें काली सूची में डाल दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से बात की और तिरुपति लड्डू मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी है। कहा, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा इसकी जांच की जाएगी तथा उचित कार्रवाई की जाएगी। तिरुपति लड्डू विवाद में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने कहा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीतिक लाभ के लिए भगवान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहा, वह तिरुपति मंदिर के प्रसाद में पशु चर्बी पाए जाने की बात से बहुत व्यथित है और उनका सुझाव है कि मंदिरों से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए एक सनातन राष्ट्रीय बोर्ड गठित किया जाए। हरियाणा के जगाधारी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, हरियाणा में हमारे बिना नहीं बनेगी सरकार। कहा, मुझे 5 महीने जेल में रखा गया, यातनाएं दी गई, लेकिन एक हरियाणवी को तोड़ा नहीं जा सकता। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ट्रेनिंग के दौरान 51 mm का मोर्टार फटा। हादसे में BSF के 3 ट्रेनी जवान हुए घायल। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम गेब्रेयेसस ने कहा, असुरक्षित भोजन से प्रतिवर्ष 60 करोड़ लोग बीमार पड़ते हैं, 4,20,000 लोगों की मौत होती है। महाराष्ट्र के वर्धा से पीएम मोदी का कांग्रेस पर तीखा हमला, कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। गणेश पूजा की तो कांग्रेस को ही बेचैनी, CGI के घर पर पीएम मोदी ने किया था गणेश पूजन। जम्मू कश्मीर चुनाव में पीएम मोदी के बयान पर महबूबा मुफ्ती का पलटवार, कहा भाजपा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान का खड़ा कर रही है हवा। अब्दुल्ला खानदान पाकिस्तान के एजेंडे को लागू करता तो कश्मीर पाकिस्तान में होता। मध्य प्रदेश में सोयाबीन गेहूं और धान के समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर सड़क पर कांग्रेस, भोपाल और इंदौर में ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले बड़े नेता, पुलिस से सीधी झड़प। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा खत, कहा राज्य सरकार दामोदर घाटी निगम के साथ सभी समझौतों को रद्द कर देगी क्योंकि निगम द्वारा एक तरफा ढंग से पानी छोड़ने के परिणाम स्वरूप दक्षिण बंगाल के जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जनसत्ता दल के अध्यक्ष और कूंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया ने गुजरात में कहा, भारत के अलावा किसी और देश में नहीं है वक्फ बोर्ड, राजा भैया का वीडियो हो रहा है वायरल। मणिपुर के उपभोक्ता मामलों के मंत्री एल सुसिंद्रो के निजी सहायक का अज्ञात लोगों ने पूरे इम्फाल जिले में स्थित उनके आवास के नजदीक अपहरण किया। पुलिस ने बताया, एस सोमोरेंद्रो का अपहरण करने के पीछे की मंशा भी अज्ञात है। वैश्विक बाजारों में तेजी के रुझान के बीच अग्रणी बैंकों ने शेयर में खरीदारी आने से घरेलू शेयर बाजार अपने उच्चतम स्तर पर बंद हुए। सेंसेक्स पहली बार ऐतिहासिक 84,000 अंक से ऊपर बंद हुआ। निफ्टी भी 375 अंक बढ़कर 25,791 अंक के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। पंजाबी सिंगर गुरदास मान ने पंजाबी संगठनों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। बीते दिनों सिंगर ने विदेशी दौरे के दौरान शो का विरोध कर रहे युवाओं के लिए किया था भद्र भाषा का इस्तेमाल। गुरदास ने कहा, मेरी मंशा किसी की को भी आहत करने की ना है और ना ही थी। वेब सीरीज द नाइट मैनेजर को एमी अवार्ड्स 2024 में मिला नॉमिनेशन। 14 कैटेगरी में द नाइट मैनेजर एकमात्र ऐसी सीरीज है जिसे भारत से नॉमिनेशन मिला है। सीरीज में अनिल कपूर और आदित्य रॉय कपूर आए थे अहम किरदार में नजर। ये थी वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन, और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।